हाय फ्रेंड्स, आज बना रहे हैं हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी। इसके लिए हम ले लेंगे 1 चम्मच तेल और इसमें आधा चम्मच जीरा डाल देंगे और इसको हल्का सा भून लेंगे। जीरा भूनने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा लहसुन कटा हुआ, इसको भी हमें भून लेना है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 प्याज कटा हुआ, इसको भी हल्का सा भून लेंगे। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ वेजीज, मैंने लिया है गाजर थोड़ा सा आधा कप और शिमला मिर्च वो भी आधा कप ले लेंगे हम, और कॉर्न ले लेंगे आधा कप बॉईल किया हुआ, और आधा कप ही हम ले लेंगे मटर बॉईल किए हुए। अब ले लेना है 3 से 4 आलू उबले हुए, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच अमचूर पाउडर और 1/4 चम्मच पिसा हुआ जीरा और नमक स्वाद के अनुसार। अब इन सभी को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसमें धनिया ऐड कर देंगे, 2 चम्मच टमाटर की चटनी, इन सभी को फिर से मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग हमारी तैयार है। अब एक बोल में 2 कप आटा ले लेंगे, इसमें 1 कप मेथी कटी हुई ऐड कर देंगे, नमक स्वाद के अनुसार, थोड़ी सी अजवाइन, 2 चम्मच तेल या फिर घी जो भी आपके पास है, इन सभी को मिक्स कर लेना है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका सॉफ्ट डो लगा लेंगे। आटा हमारा लग चुका है, अब हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। 10 मिनट बाद फिर से हम इसको कुछ सेकंड्स के लिए गूंद लेंगे। आटा हमारा तैयार है, तो चलिए अब आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। अब इससे एक लोई बना लेंगे और इससे एक चपाती बेल लेंगे, थोड़ा सूखा आटा लगाकर बेल लेना है। चपाती हमारी बन गई है, अब इसमें हम जो फिलिंग हमने तैयार की थी उसको ऐड कर देंगे ट्रायंगल शेप में इस तरह से, और इसके ऊपर थोड़ा चीज़ ऐड कर देंगे। मोज़रेला चीज़ मैंने ऐड किया है, आप कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है। अब इसको इस तरह से ट्रायंगल शेप में तीनों साइड से फोल्ड कर देना है, इसको अच्छे से चिपका लेना है जिससे कि ये खुले नहीं। अब थोड़ा सूखा आटा डालकर इसको हल्का हल्का बेल लेना है। पराठा हमारा तैयार है सिकने के लिए, तो चलिए इसको सेक लेते हैं। अब इस पे दोनों साइड घी लगा लेंगे और अच्छे से सेक लेना है, जैसे हम पराठा सेकते हैं वैसे ही। ये रेसिपी एक बार ट्राई करिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। इसको दोनों साइड से अच्छे से सेक लेना है। फ्रेंड्स, ट्राई करने के बाद रेसिपी कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। पराठा हमारा अच्छे से फूल चुका है और ये तैयार है सर्व करने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।